है चलो सबसे पहला है वन फोर टू थाउजेंड सिक्सटीन का स्टॉक यानी कि ईयर के स्टार्टिंग का है बिगनिंग का स्टॉक है दैट इज ओपनिंग स्टॉक तो ए एन बी का है सेवनटीन थाउजेंड एंड फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दोनों ही हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग रैबिट साइट पे लिख दिया देन नेक्स्ट वन वी हैव इज परचेजेस डिपार्टमेंट ए एंड बी का परचेस जो है वो है थर्टी फाइव फोर हंड्रेड एंड थर्टी दोनों को ही हमने डेबिट साइड पे लिख दिया है ठीक है देन वी हैव सेल्स सेल्स अपना जो है क्रेडिट साइड पे है तो ऑब्वियसली वो कहाँ आएगा डिपार्टमेंटल थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी सो वी हैव रिटर्न एट ऑन ट्रेडिंग क्रेडिट सिक्सटी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी देन नेक्स्ट आइटम इज वेजेस एका है 8200 एट 2700, सो वी हैव टू 8200 जीरो 2700. बट हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट थी उसमें वेजिस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो हम वहाँ पे नीचे एक लाइन छोड़ देंगे ताकि अपने को एक नहीं दो लाइन छोड़ देंगे टोटल भी हम वही कॉलम में करते अपने पास आउटर कॉलम नहीं होता इसलिए तो दो लाइन छोड़ के ही अब नेक्स्ट आइटम लिखेंगे

पी एन एल डेबिट पे जाएंगे चारों के चारों तो ये चारों के अगर हम बाइफोकेशन देखते हैं तो रेंट रेट एंड टैक्सेस का सिक्स टू सिक्स जीरो आता है सन्डरी एक्सपेंस का टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड वन थाउजेंड टू हंड्रेड आएगा सैलरी का टू थाउजेंड एंड वन थाउजेंड आएगा लाइटिंग का वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड आएगा ये ऑलरेडी हमने सबको स्टार्ट करने के पहले सबको गिन लिया है इसलिए अभी हमें वापस कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है नेक्स्ट वन जो है वो है तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट साइड पे आएगा और उसका भी हमने कर लिया था ठीक है ये ये हमने कौन से बेस 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 पे 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 किया किया था था सेल्स के किया था. के सेम फॉर डिस्काउंट है इसलिए हमने उसको परचेस के रेशियो में डिवाइड किया है और हमें सम में भी बोला गया है नहीं बोलते तो भी हम वैसे ही करते और क्रेडिट साइड पे आएगा नेक्स्ट है अपना एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो आएगा तुम्हारा सेल्स के बेस पे पर यहाँ पे सब में हमें इक्वली बोला गया था तो हमने क्या किया ये जो आंसर सॉरी सौर, ये जो तुम्हारा अमाउंट है उसको हमने क्या कर दिया इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया जैसे तुमने बोला वही फिगर यहाँ पे है फिर आता है तुम्हारा कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड हमेशा कौन से बेस पे होता है परचेज के बेस पे पर सम में तुमको स्पेसिफिकली बोला है कि टू के रेशियो में तुमको डिवाइड करना है इसलिए हमने कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग क्रेडिट में क्या कर दिया टू स्पेसिफिकली बोला है तो हम वही फॉलो करेंगे नहीं होता तो हम परचेज के बेस पे करते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी सेम एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेसिफिकली बोला है इसलिए ऐसा किया अदरवाइज हम जो फॉलो करते हैं सेल्स के बेस पे वो ही करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा फर्नीचर एंड फिटिंग प्लांट एंड मशीनरी बोथ आर दी सो गोइंग टू राइट इट डाउन इन बैलेंस शीट एंड वी हैव डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ऑन इट सो गोइंग टू लिव वन वन लाइन फॉर इच राइट तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग थ्री थाउजेंड प्लांट एंड मशीनरी ट्वेंटी वन थाउजेंड इनर कॉलम में लिखेंगे दोनों के लिए एक एक लाइन हम यहाँ पे स्किप कर देंगे ताकि हम वहाँ पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर पाए दैट विल सी लेटर ऑन संडरी डेटर्स डेबिट साइड में जाता है बैलेंस शीट के तो ये रहा तुम्हारा संडरी डेटर्स संडरी क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे जाएगा तो ये रहा तुम्हारा संडरी क्रेडिटर्स यानी क्रेडिट यानी लायबिलिटी साइड ठीक है ये असेट एंड ये लायबिलिटी नेक्स्ट है तुम्हारा एस कैपिटल ड्राइंग उसमें से हम हमेशा ही माइनस करते हैं तो 4500 सॉरी तो 47660 में से 4500 हम माइनस करेंगे तो फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी माइनस ड्राइंग्स अब यहां पे तुमको एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है बट सिर्फ आपका एक रिवीजन हो जाए इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो प्लस होता इसमें ये फॉर्मूला में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग होता तो माइनस होता

900. देन we आर मूविंग फॉरवर्ड to एडजस्टमेंट्स ऊपर के तीन तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन हमने अभी भी गिना 10% के हिसाब से थ्री एंड फोर में सब आंसर दे ही रहे थे अब आप तो आपको पता ही है कितना आता है जीरो जीरो हमने हटा दिया फिर 300 को हमने क्या कर दिया थ्री बाय वन

रुपीज फाइव हंड्रेड चार्ज बाई डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए फॉर सर्विस है डिपार्टमेंट बी जो है उसने डिपार्टमेंट ए पे लगाए यानी कि दो डिपार्टमेंट है अभी एग्जांपल लेते हैं ठीक है अ एक मेरा डिपार्टमेंट है और एक आपका डिपार्टमेंट है आप खुद अपने आप को समझ लो ठीक है मैंने तुमको यानी कि मैं जो हूँ मैं हूं डिपार्टमेंट बी एंड यू आर डिपार्टमेंट ए या तो फिर चलो समझ लो आई एम द डिपार्टमेंट ए एंड यू आर द डिपार्टमेंट बी ठीक है आपने क्या किया मुझे सर्विस प्रोवाइड किया ठीक है आप जब मुझे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको इनकम मिलेगा so you, कि आप जो डिपार्टमेंट ए हो उनके लिए ये क्या हो जाएगा सॉरी आप जो डिपार्टमेंट बी हो उनके लिए ये क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा और मैं जो डिपार्टमेंट ए हूँ मेरे लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा और डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट ए के पास से एज अ इंक्लूड कर रहा है अपने पास यानी कि सिंपली अगर मैं बोलू तो डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट ए को ऐसा बोल रहा है मैं तुझे तो सर्विस दूंगा तो मुझे वेजिज देना ठीक है अब जब डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट ए को वेज दे रहा है यानी उसका तो वेज इंक्लूड हो गया वेज उसका ज्यादा बढ़ गया तो पांच सौ रुपया उसका वेजेस बढ़ जाएगा अभी सिर्फ बी का देखते हैं तो बी के यहाँ पे हम पांच सौ सॉरी ए का वेजेस बढ़ जाएगा क्योंकि ए बी को क्या दे रहा है पांच सौ है बी ने ए को क्या दिया सर्विस प्रोवाइड किया ठीक है तो जब बी ने ए को सर्विस प्रोवाइड किया तो ए ने क्या बोला अरे अब मुझे पांच सौ रुपया वेजिस ज्यादा हो गया ना चाहे वो बी को दे या किसी को भी दे उसको तो पांच सौ रुपया वेजिस देना ही पड़ रहा है किसी ना किसी को क्योंकि उसने सर्विस लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया उसका ऑलरेडी एट थाउजेंड टू हंड्रेड का वेजिस था तो पांच सौ रुपया उसको और देना पड़ा तो वो वेजेस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो एट थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड बिकम्स एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाउ द सेकेंड एडजस्टमेंट विल गो टू बी ठीक है अब यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा डैश आएगा बी को कोई वेजेस देना नहीं पड़ा है किसी को उसको तो पैसे मिले हैं तो उसको जब पैसे मिले हैं तो उसके लिए क्या हुआ इनकम हुआ फॉर बी इट इज एन इनकम तो इसलिए कहाँ पे गया क्रेडिट साइड पे गया मैं अगेन रिपीट करती हूँ बी ने ए को सर्विस दिया यानी बी आया ए के यहाँ पे गया और उसने मशीन रिपेयर करके दिया बी वाले डिपार्टमेंट के लोगों ने तो ए के लिए तो खर्चा हो गया वेजेस देना पड़ेगा मशीन रिपेयरिंग का तो उसके वेजेस बढ़ जाएंगे तो 8,200 प्लस पांच सौ रुपए यहाँ पे वेजेस हम इसलिए ले रहे क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वेजेस में इंक्लूड करना है ऐसा तो एट थाउजेंड टू हंड्रेड में पांच सौ रुपए बढ़ गए चार्ज एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड यानी टोटल अपना वेजेस कितना आएगा विल गोइंग टू राइट एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड बी का तो कोई वेज उसको किसी को देना नहीं पड़ा तो डैश हो गया उसको कुछ ऐड नहीं करना है उसका जो है उतना ही है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बट बी को पैसे मिले एज अ वेजेस तो उसके क्रेडिट पे इनकम आया उसने सर्विस दिया उसका तो ये यहाँ पे कितना आएगा पांच सौ रुपये एक को ऐसा कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पे डैश बस इतना ही था ठीक है

अपना सम पूरा खत्म हो गया है। पे भी आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि में भी और कोई चेंजेस नहीं है वैसे भी नहीं होता डिपार्टमेंटल में ठीक है वो हम बाकी के सम्स करते हैं यानी हायर लेवल के वहां पे फिक्स सेट में चेंज आता है फिर डेप्रिसिएशन में चेंज आता है तो इट्स क्वाइट सिंपल सब हो गया है नाउ व्हाट विल गोइंग टू डू हाँ जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका टोटल नहीं करने का जो नीचे वाला आता है तुम्हारा उसका ही करने का यानी ये डार्क मैंने इसीलिए किया होता है या येल्लो इसीलिए किया होता है कि इग्नोर दिस आइटम इसका तो कुछ है नहीं तो नीचे टोटल नहीं लिखा इसको ऐसे ही रखा है तो एग्जाम में जब भी तुम ये, आ, कैसा होता है कि तुम टोटल करने बैठते हो तो फटाफट फटाफट -फटा सबका टोटल कर देते हो फिर तुमको पकड़ में ही नहीं आता कि अरे कौन सा रह गया क्योंकि तुम आइटम चेक करते हो फिर तुम अमाउंट नहीं चेक करते अरे क्या रह गया क्या रह गया सब तो आ गया है तो एट दैट टाइम तुम्हारे सिर्फ क्लियरेंस के लिए क्या करने का दिमाग के जब इसको यहाँ पे मार्किंग करते हो तो पेंसिल से सिर्फ उसके पास नीचे अंडरलाइन कर देने का दोनों के तो इतना याद रहेगा कि इसको मुझे टोटल में नहीं लेना है ये हमेशा ही ध्यान में रखने का ऐसा करोगे तो टोटल में गलती नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तुम आउटर कॉलम नहीं बना सकते इतना स्पेस नहीं होता है अपने पेपर में कि ये छह कॉलम बनाओ और फिर आउटर कॉलम भी बनाओ तो फिर तुमको इसको ऐसे टेढ़ा लिखना पड़ेगा यानी वर्टिकल बनाना पड़ेगा इसको सो सो दैट दैट इज इज स्मार्ट वे यू मार्क पे कुछ मार्किंग छोड़ दो कि इसको टोटल में नहीं लेना है ठीक है पेंसिल से कैंसिल मत करना फिर वो पेपर सेंटर को लगता है उसने कैंसिल कर दिया पेपर चेकर को लगेगा तुम पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर दो दोनों की कि कि टोटल में नहीं लेना है या स्क्वायर कर दो कुछ भी कर दो ठीक है चलो दोनों साइड का टोटल देखना है जिस साइड का ज्यादा है तो उसमें से दूसरी साइड माइनस करनी है प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू कि है तुम, तुम्हारा दोनों डिपार्टमेंट का अपोजिट साइड भी आ सकता है बट इन सम सम इन दिस एज वेल पे भी कैसा है यानी ट्रेडिंग में कि तुम्हारा आ, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दोनों का ही यानी ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है इन शॉर्ट तो ये दोनों को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे पी एन एल में पीएनएल में जब ले जाते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है एक का जो है यानी बी का जो है वो क्रेडिट साइड ज्यादा आया ठीक है इसलिए बी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है देखो यहाँ पे बट ए डिपार्टमेंट में डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो उसमें लॉस हो रहा है इसलिए हमने ए डिपार्टमेंट का क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है क्योंकि इसका ये वाला साइड का टोटल ज्यादा है और ये वाले साइड का टोटल कम है तो जितना भी कम आया वो लॉस हुआ अब जब लॉस आता है तो हमने एक फॉर्मेट लिखा था माइनस होगा और प्रॉफिट आता है तो प्लस होगा तो इतना अपना हो गया नीचे का सिर्फ हमें प्लस माइनस करना है इंटरेस्ट वाला है नहीं यानी सिर्फ अभी अपने पास कितना है कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया फोर थ्री फाइव तो एज कैपिटल माइनस एज ड्रॉइंग प्लस डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट माइनस डिपार्टमेंट ए का जो लॉस आया वो तो जो भी करोगे आउटर कॉलम आ जाएगा टोटल अपने असेट का सबसे पहले कर ही देते हैं इसका आउटर कॉलम आने के बाद क्रेडिटर एक ही आइटम है दूसरे होते तो दूसरे को भी ले लेते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से अपना ये आएगा